पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से पेट्रोल पंप मालिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको अकारण नोटिस भेज रहे हैं, नक्शा पास कराने के लिए भेज रहे हैं, जबकि पंप जो 30-30, 40-40 साल, कोई पंप 50 साल पुराने भी हैं, उनको जबरन नक्शा पास कराने के लिए कंपेल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद के कुछ पेट्रोल पंपों को बगैर मानकों का पाए जाने को लेकर सील कर दिया गया था, जिसके बाद जनपद की पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि जनपद में एक दिन के लिए सभी पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। इमरजेंसी सेवाओं को ही पेट्रोल दिया जाएगा। पेट्रोल पंप द्वारा हड़ताल कराए जाने के बाद आम यात्रियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हड़ताल हो जाने के बाद लोगों को पेट्रोल नहीं मिला, जिसके चलते यात्री काफी परेशान हैं। मुरादाबाद जनपद में पेट्रोल पंप की हड़ताल होने से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद जनपद में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्यों ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जनपद के सभी पेट्रोल पंप बंद रखे गए, लेकिन कुछ लोगों को पेट्रोल पंप बंद होने की जानकारी नहीं थी। यात्री सभी अलग अलग स्थानों से मुरादाबाद पहुंचे थे, जिस वजह से जनपद में कहीं पर भी यात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया गया, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद मोजिम है। कहां से आया सर? मैं कुंदरगी से आया हुआ हूं और मेरी बाइक में तेल खत्म हो चुका है। मैं मुरादाबाद जा रहा हूं अभी, मुझे चंदोसी रोड पर जाना है वापसी। तो सर, मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो चुका है, कि अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत पेट्रोल पंप देखे मैंने, सारे पेट्रोल पंप बंद हैं, कहीं तेल नहीं मिल पा रहा और हमें इतने प्रॉब्लम हो रहा है तेल में, हम क्या करें अब ये बताइए आप। आपको उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है? सर, हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है किसी बात पे। जब सब में बैरियर लगा दिए गए हैं पेट्रोल पंप पे, जितने ही पेट्रोल पंप है सब पे बैरियर लगा दिए गए हैं, अब हम तेल क्या धक्का मार के लेके जाएं, क्या करें? हम इतनी दूर से आए, हमें ऐसा पता होता तो सर हम यहाँ घर से नहीं आ पाते, ये ऐसा पता होता तो क्या कर सकते हैं हम? अब आप हमें इस चीज की जानकारी दीजिए हमें। तो वहीं एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जो हठधर्मिता अपनाई जा रही है, उसका ये सांकेतिक ऐलान है। यदि विकास प्राधिकरण के द्वारा इसी तरह से कार्य किया गया तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन उग्र आंदोलन करेगी और प्रदेश भर में पेट्रोल पंप संचालक अपना पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। हमारे जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं जिले के, वो डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से और वीसी साहब से मिले थे। तो वीसी साहब ने ये कहा था कि हम सील खुलवा देंगे, मगर वीसी साहब ने जो पंप सील किए हैं उसके सील नहीं खोली उन्होंने। एक आज हमारी 10 बजे से 4 बजे तक की सांकेतिक हड़ताल थी। अगर ऐसी पेट्रोल पंप वालों का उत्पीड़न जारी रहा तो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन होगी। कल हमारे प्रदेश स्तर के हमारे अध्यक्ष और सचिव मुरादाबाद आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अब तक 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल पुराने पेट्रोल पंप हैं। आज तक एमडीए को, जब से एमडीए स्थापित हुई है 14 अप्रैल 1982 से, आज तक एमडीए को नहीं सुध आई। और पहले के टाइम में कोई एमडीए से, जब एमडीए थी नहीं तो उसकी एनओसी कैसे कोई पंप वाला लेता? अब जो नए पंप खोले उसकी ज़रूर उसकी एनओसी लेने की ज़रूरत है। और जो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो हमें एनओसी देते हैं, एक पेट्रोल पंप को खोलने के लिए 14 सरकारी डिपार्टमेंट से एनओसी जाती है डीएम साहब के पास, उसके बाद डीएम साहब एनओसी उस पर जारी करते हैं, तब पंप स्थापित होता है। तो डीएम साहब की एनओसी के बाद, एनओसी मिलने के बाद भी किसी एमडीए का कोई औचित्य नहीं बचता एमडीए से की नक्शा पास कराने का। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।